हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सरफेस मॉडलिंग में से स्वेप वाला कमांड। इसके पहले हम लोगों ने दो कमांड सीखे हैं जिसको मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। पहला था रूल सरफेस, जिसमें हम लोग दो स्ट्रीम यानी कि कोई भी दो स्ट्रीम के साथ सरफेस बना सकते थे। ठीक है, ये हो गया रूल सरफेस। दूसरा हम लोगों ने थ्रू कर्व मेश देखा था, जो कि कमांड आपको ऐसे भी दिख रहा है स्क्रीन में। इसमें हम लोगों ने सरफेस का हेल्प लेके, जो कि मैंने हाइड किए है, ये एक स्मूथ सरफेस बनाया था। बट आपको ये भी बताया था कि देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों कमांड में रूल या थ्रू कर्व सरफेस में जो सेक्शन है उसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल है, यानी कि स्टार्ट और एंड में। बट जो साइड वाले बाउंड्रीज है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट कमांड बताने जा रहा हूँ स्वेप, जिसमें आपको जो प्रोफाइल है, जो मिड पॉइंट है इसका, सेंटर का, वहाँ पे आप कंट्रोल ले सकते हो या तो बाउंड्री के ऊपर भी कंट्रोल ले सकते हो। तो उसमें करना क्या है, उसको यूज कैसे करना है, ये भी आपको यहाँ पे जस्ट बता दूंगा मैं। तो उस कमांड का जिसका हम लोग आज डिस्कशन करेंगे वो है स्वेप्ट। स्वेप्ट कमांड बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने देखा है कि थ्रू कर्व मेश और मेश फॉर्म वैसे ही आता है। यहाँ पे हमें सेक्शंस ऐड करने हैं, यहाँ पे ऐड न्यू सेट का ऑप्शन दिया है, रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें और एडिशन में दिया है गाइड। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 3 गाइड ऐड करने के लिए स्कोप है, जैसे कि सेक्शन से आपको कंट्रोल आएगा स्टार्ट एंड एंड में, और गाइड से आपको मतलब फ्रंट एंड बैक या लेफ्ट एंड राइट आप बोल सकते हो, जो भी सरफेस का एज रहेगा, यानी कि ये वाला एज और ये वाला एज, इसमें आपको कंट्रोल मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज स्वेप्ट वाला कमांड। सबसे पहले आइसोमेट्रिक व्यू सेट करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको जस्ट बताना चाहूँगा कि जो भी सरफेसेस मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ उसमें मैं कुछ सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए सेक्शन ड्रॉ करना ज़रूरी है, उसके साथ साथ सेक्शन बिना ड्रॉ किए हुए भी आप ये काम कर सकते हो, अगर आपके पास पहले से कोई कर्व मौजूद है तो। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से दो मैंने सेक्शन निकाल के रखे, बट आपको इसको मैं मॉडिफाई करूँगा क्योंकि सिमिलर सेक्शन दिखेंगे। इसको मैं निकाल देता हूँ, हाइड कर दूँगा। सबसे पहले एक सेक्शन बना लेता हूँ नया, जो सेक्शन व्यू से हम लोग बना देंगे। तो इसको अलग डायरेक्शन में ले लेते हैं, चलो इस डायरेक्शन में ले लेंगे। तो पहले वाला सेक्शन एक सेक्शन में जस्ट ले लेता हूँ। सरफेस में स्मूथनेस लाने के लिए आपको उसमें फिलेट देना बहुत ही जरूरी है। फिलेट्स रहेंगे तो आपके आउटपुट में स्मूथनेस आएगा, अगर शार्प कॉर्नर रहेंगे तो आपको शार्पनेस आएगा। आप जब भी सेक्शन ड्रॉ करोगे तो जो कर्व्स है वो अच्छे से जॉइंट होते हुए आपको दिखना चाहिए, अगर नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत है। आप उसको कंफर्म करो कि पहले से वो जॉइंट है या नहीं है। ठीक है, ये हो गया सेक्शन वन। दूसरा सेक्शन के लिए हम लोग एक प्लेन ले लेंगे, क्योंकि विदाउट प्लेन हम लोग ये नहीं कर सकते। यहाँ पे 30 mm पे ले लेता हूँ, और एक प्लेन यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। और एक सेक्शन ड्रॉ करेंगे। स्वेप्ट कमांड में आप सिंगल सेक्शन भी दे सकते हो, इसके डायमेंशंस में नहीं डाल रहा हूं क्योंकि मैं सोचता हूँ डायमेंशंस आपके अकॉर्डिंग रहेंगे। बट आपको कमांड यूज करने का तरीका पता होना चाहिए,
अभी यहाँ पे मैं एक सेक्शन ड्रॉ करूँगा, सेक्शन हमेशा सॉरी गाइड ड्रॉ करूँगा, और ये जो गाइड रहेगा वो हमेशा इन लाइन के परपेंडिकुलर रहेगा, सेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये आएगा अलग प्लेन पे। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा एक गाइड ऐसा ले लेता हूँ कि जो इसके कनेक्टेड है नहीं, लाइंस के कनेक्टेड नहीं है, और एक गाइड हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे जो लाइन की कनेक्टेड है। अभी देखते हैं, यहाँ पे पहला वाला गाइड मैं ड्रॉ करता हूँ रैंडमली, ठीक है। चलो पहले इसी के साथ आपको दिखा दूँ। कमांड एकदम सिंपल है और इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है मेरे हिसाब से। थ्रू कर्मेश और रूल के हिसाब से स्विफ्ट वाला कमांड बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं पहला सेक्शन सिलेक्ट करूंगा, ये रहेगा सेक्शन। यहाँ पे सिंगल कर्व सिलेक्ट किया मैंने, बट मैं मुझे चाहिए टेंजेंसी वाला, तो टेंजेंसी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लाइन ब्रेक है तो ये नहीं हो रहा है, हम लोग को इसमें एडिट करना पड़ेगा। इन पॉइंट को जोड़ना बिल्कुल जरूरी है। अगर पॉइंट जुड़े नहीं है तो हमारा जो भी ड्राइंग है वो काम करेगा नहीं स्विफ्ट। ये हो गया सेक्शन वन, अभी सेक्शन टू यहाँ से ऐड करेंगे सेक्शन टू, और फिर यहाँ पे हम लोग गाइड दे देंगे। ये हो गया गाइड, अभी आप देख सकते हो यहाँ से गाइड का जो भी डायरेक्शन है उसके हिसाब से इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आया। सेक्शन टू को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि सेक्शन टू काफ़ी नज़दीक है, इसके लिए गाइड का इम्पैक्ट उसमें दिख नहीं रहा, तो इसको ज़रा लंबा ले लेते हैं। तो आप अभी देख सकते हो कि किस तरीके से इस कर्व का इम्पैक्ट इस प्रोफाइल के डायरेक्शन में दिख रहा है। तो फिर यहाँ पे हम लोग सेक्शन को एडिट करेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पूरा का पूरा, और फिर आपको एक नया सेक्शन दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। देखिए आप यहाँ पे एक स्प्लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूँगा और उसका इम्पैक्ट आपको दिखाऊंगा सरफेस के ऊपर। जैसे कि मैंने इसको डिलीट किया था, ये मुझे वापस देना पड़ेगा। तो आपने जो भी सेक्शन ड्रॉ किया, जैसे कि ये सेक्शन है, ये मेरा ज़्यादा स्मूथ नहीं बना क्योंकि इसमें स्टेप्स है, यहाँ पे कुछ मिसमैच है, तो इसको भी हम लोग स्मूथ करेंगे। बट आप पहले देख लो कि इसका इम्पैक्ट कैसे, इस कर्व का इम्पैक्ट कैसे मेरे प्रोफाइल पर आ रहा है। देखिए अगर ये कर्व नहीं रहता तो ये सरफेस जस्ट मेरा सीधा बन जाता था, लेकिन अभी मैं इसका यूज यहाँ पे कर पा रहा हूँ। तो ये है स्विफ्ट का कमाल। अभी यहाँ पे हम लोग तीन गाइड दे सकते हैं, जैसे कि इसमें मेंशन किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे तीन गाइड दे सकते हैं, गाइड थ्री, तो मैंने एक ही दिया है। अभी हम लोग और दो डालेंगे, लेकिन वो दो जब यूज करेंगे तो उसके लिए क्या हम लोग को क्या पैरामीटर यूज करने वो भी देखते हैं। इसके लिए फिलहाल मैं इसको करंट फीचर कर देता हूँ। अभी और दो गाइड हम लोग डालेंगे, यहाँ पे स्केच में जाएंगे, अभी एक वाला ये जो रहेगा ये ऐसा रहेगा, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से, और जो दूसरा है इसको सिलेक्ट करके कुछ ऐसा।
तो मेरे पास अभी और दो गाइड है, अभी फिलहाल हम लोग इसको ऑन करेंगे, मेक करंट फीचर, और इसको एडिट करेंगे। तो गाइड वन दिया था, अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू सेट, और फिर यहाँ पे इस गाइड को दे देंगे। तो ये दूसरे गाइड ने इसका कमाल दिखा दिया, पहले कैसा था इसको हम लोग डिसलेक्ट करते तो ऐसा था सीधा, अभी मैंने इसको इस गाइड का रेफरेंस दे दिया तो ये चेंज हो गया। अभी वापस मैं और एक गाइड दे दूंगा जो कि यहाँ पे है, तो इसका इम्पैक्ट आने के बाद सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इन सब गाइड को देने के बाद हम लोगों को कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है। आप गाइड आपकी इच्छा के हिसाब से कम ज़्यादा दे सकते हो, जैसे कि पहला गाइड मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। इसको निकालने के बाद कुछ ऐसा, अगर मुझे ये देना है तो उसका इम्पैक्ट आएगा ऐसा। तो हर तरीके से आप इस सरफेस को प्रोफाइल दे सकते हो। बाद में अलाइनमेंट वाले ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पे प्रिजर्व शेप रख सकते हो, यहाँ पे क्यूबिक और लिनियर, ये दो नए ऑप्शन है। तो क्यूबिक और लिनियर में आपको ज़्यादा ये जो लाइन से शार्पनेस नज़र आएगा प्रोफाइल में, और क्यूबिक में थोड़ा स्मूथनेस नज़र आएगा। बाकी तो आर्क लेंथ वगैरह ये ऑप्शन पहले से है स्मूथनेस के लिए, बाई पॉइंट्स भी है, आप इसको चाहिए वैसे मोड़ सकते हो। तो ये स्विफ्ट कमांड है, इसका यूज़ आप कर सकते हो जिसमें आपको एक्स एंड वाई डायरेक्शन में या यू एंड वी डायरेक्शन में सरफेस का प्रोफाइल कंट्रोल करना है। तो आप इसको चार कर्व निकाल के इसको यूज़ कर सकते हो, जो कि हमारे थ्रू कर्व में और रूल में नहीं था, जो हमें स्वेप्ट में मिला। यहाँ पे एक बात मैं आपको नोटिस करना चाहता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखो। इसमें हम लोग गाइड तो दे सकते हैं साइड में, बट इस गाइड का जस्ट सरफेस रेफरेंस ले लेता है, लेकिन गाइड को स्टिक ऑन नहीं रहता। तो इसके लिए और भी आगे कुछ कमांड्स है, वो भी आपको इसमें सीखने को मिलेंगी ये सीरीज में। तो इस तरीके से फिलहाल आप स्वेप्ट कमांड यूज करिए, नंबर ऑफ स्केचेस ड्रॉ करिए। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया होगा। आप इसका प्रैक्टिस करो, अलग अलग सरफेसेस ड्रॉ करके देखो, आपके मन के हिसाब से लाइन मार के देखो। कोई भी सरफेस या कोई भी प्रोफाइल देखने के बाद आप इमेजिन करके उसको एनएक्स में प्रैक्टिस करो, ताकि आपका स्किल बढ़ेगा। सरफेस ओनली कमांड्स ऐसे ओनली पता होने से कुछ नहीं होता, उसका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अभी ये जो सीरीज चल रहा है सरफेसिंग का, ये काफ़ी प्रैक्टिस भरा होना चाहिए आपका। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, उसके ऊपर मैं आपको सोल्यूशन देने का ट्राई करूंगा जैसे ही टाइम मिलेगा। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, सरफेसिंग मॉडल आपको अच्छा लग रहा है, आपका स्किल इनहेंस हो रहा है, आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हो जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनको जिनको स्किल एनहांस करना है। अभी मेरे चैनल पे मेरे 80% व्यूज़ मुझे जो लोग नहीं देख सब्सक्राइब नहीं है उन्हीं से आते हैं। 80% ऐसे मेरे फॉलोअर है जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं करे। तो रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक भी करो, वीडियो भी देख लो और शेयर भी करो। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।